का खास पेशकश में अयोध्या की यात्रा, भगवान राम का घर और सरकार की महत्वाकांक्षी जो सियासत है उसका सबसे बड़ा गढ़ अयोध्या। अयोध्या में बीते लॉकडाउन के दौरान, कोरोना संकट काल के दौरान राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ और इसके बाद अयोध्या बदलती नजर आई लोगों को, और ब्रांडिंग के बाद अयोध्या किस कदर की इसकी स्थिति है, अयोध्या की, अयोध्या के लोग क्या सोचते हैं, अयोध्या में विकास किस तरीके से हो रहा है और अयोध्या के जो मॉडल विकास का है जिसपे अयोध्या के लोगों को क्या सोचना है, इन तमाम बिंदुओं पर हमारी ये रिपोर्ट होगी। लेकिन इस रिपोर्ट में एक जो बड़ा बिंदु है वो ये है कि अयोध्या विश्व के पर्यटन पर किस कदर पहुँच बनाने वाला है। आइए हमारे साथ और देखिए इस रिपोर्ट। जब से भव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आदेश को लेकर इसके पूर्व में भी सरकार की योजना रचना अयोध्या पर ध्यान आया, उसके बाद हम लोग की मांग भी थी कि अयोध्या और चित्रकूट, क्योंकि अयोध्या से भगवान राम का चित्रकूट पैदल जाना, उसके बाद वहां पर भी सिद्ध ऋषि महात्मा और तमाम महात्मा उनकी तपस्वी स्थली, तो इसके नाते जो विकास कार्य है अयोध्या होते हुए चित्रकूट, 84 कोसी परिक्रमा और राम वन मगन ये जो मार्ग है, और उसके बाद जो योजना है सरकार की, उस योजना में ऐसा कुछ योजना और भी हो जिससे लगे कि अयोध्या और चित्रकूट का, क्योंकि दोनों को अलग हम नहीं समझ सकते, दोनों एक मस्तक है और एक दिल है, तो इसके नाते इसकी विकास कार्य बहुत तेजी से शुरू सरकार ने किया भी है और भव्यता और दिव्यता और इसमें आए, इसके नाते आपके चैनल के माध्यम से सरकार से हम निवेदन करेंगे। दोस्तों, चित्रकूट की जो हमारी सांस्कृतिक यात्रा हुई अयोध्या आ गई है, अयोध्या यानी भगवान राम यानी राजा राम की जन्मस्थली, और यहाँ पे हमारे साथ दो हमारे अभिन्न मित्र हैं, जो एक काशी से आए हैं हमारे भाई साहब और ये अयोध्या से हैं जाने पहचाने। जय श्री राम। और मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा आपसे और बहुत शॉर्ट में कि काशी अयोध्या को कैसे जोड़ता है, चित्रकूट को कैसे जोड़ता है, फिलहाल काशी से चित्रकूट के बाद जब आप अयोध्या आए हैं तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, फिलहाल में मैं कहना चाहूँगा काशी से मैं जो अयोध्या आया हूँ, भगवान राम से शिव पहले ही जुड़े हैं ये शास्त्र हमारा कहता है, और काशी शिव, शिव ही राम है, राम ही शिव है, तो कहीं ना कहीं काशी का जो सांस्कृतिक है, सभ्यता है, परंपरा है, ये अयोध्या से 99% तुलनात्मक मिलती है। कल्चर अलग है, विधि अलग है, लेकिन तरीका एक ही है, तो इसलिए राम और महादेव एक ही माने जाते हैं। चित्रकूट ही नहीं अपितु पूरा भारतवर्ष सनातन धर्म, हर एक इंसान राम से रमा हुआ है, हर कण में राम है, हर जन में राम है, राम सब में समाये हुए हैं और सब में राम है। राम चित्रकूट के ही नहीं है, अयोध्या के ही नहीं है, बल्कि पूरे संसार और पूरे सनातन धर्म, जहाँ जहाँ इस पृथ्वी पे लोग रह रहे हैं, जिस कोने में रह रहे हैं, वो सब में राम है। और इसीलिए कहते हैं कि मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है।